सिंह राशि, आज के दिन हर क्षेत्र में सफलता का योग बन रहा है। विशेष रूप से रुका हुआ धन प्राप्त होगा एवं नौकरी में प्रमोशन की सूचना भी मिल सकती है। आज किसी के कार्य में भी टांग बिल्कुल मत अड़ाइएगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। आज गरीबों में यदि फल का दान कर पाए तो दिन और सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। धनु राशि, शुक्र के उत्तम अवस्था के कारण आज आपका मकान या वाहन खरीदने का कार्य सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। पुराने निवेश से आर्थिक लाभ का भी संकेत आ रहा है। दवा का सेवन आज बिल्कुल समय पर करिएगा। माता पिता एवं गुरु का आशीर्वाद लेकर आज घर से निकलिए, निश्चय ही सफलता मिलेगी। आचार्य जी, आपने महालक्ष्मी के प्रिय 9 वस्तुएं तो बताई, लेकिन अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन 9 वस्तुओं का उपयोग कैसे करना है। अब हम आपको इन 9 महत्वपूर्ण वस्तुओं के उपयोग के विषय में बताते हैं, जिससे कि आप महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहला है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र हमेशा स्फटिक का बहुत अच्छा माना जाता है, इसे यंत्र राज भी कहा जाता है। महालक्ष्मी को यह अत्यंत प्रिय होता है, जिसके कारण यदि आप नियम से श्रीयंत्र की पूजा श्री सूक्तम या कनक धारा स्त्रोत से करें तो निश्चय ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। दूसरा, समुद्र में पाए जाने वाले गोमती चक्र की कौड़ी को, ठीक है, गोमती चक्र भी कहते हैं, इसे कौड़ी भी कहते हैं, इसे 16 की संख्या में मंदिर में रखकर कुमकुम का तिलक लगाएं और 16 बार श्री सूक्तम का पाठ करें और तिजोरी में रख दें, निश्चय ही धन का भंडार बढ़ने ही लगेगा। तीसरा, एकाच्छी नारियल, यह अद्भुत होता। इसे श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। जिस नारियल को आप यदि छीलें तो उसमें एक आंख दिखाई देगी, हल्का सा काला सा सिर्फ एक निशान दिखाई देगा, वह एकाच्छी नारियल कहलाता है। यह महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यदि विधि विधान से पूजा करके एकाच्छी नारियल को अपने मंदिर अथवा तिजोरी में रख दिया जाए तो धन धान्य की निश्चय ही वृद्धि होती है। चौथा, दक्षिणावर्ती संख, यह वह संख है जो बजता नहीं है, यह उसकी सबसे बड़ी निशानी होती है। जिस घर में दक्षिणावर्ती संख की पूजा भगवान श्री गणेश महालक्ष्मी के साथ की जाती है, उस घर में कभी भी धन का अभाव हो ही नहीं सकता। पांचवा, कमल के फूल से बनने वाला मिलने वाला कमल गट्टा भगवती लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। कमल गट्टे की माला पर नियमित रूप से ओम श्रृंग श्रृंग हरिप्रिया ओम श्रृंग क्लिंग मंत्र का जप करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता निश्चय ही दूर हो जाती है। छठा, प्रतिदिन सूर्योदय के आधे घंटे के पूर्व और सूर्यास्त के 1 घंटे पूर्व यदि घर में विधिवत झाड़ू करते हुए घर की सफाई की जाए और सफाई के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पर रख दिया जाए जहां से वह दिखाई बिल्कुल न देता हो तो निश्चय ही उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। सातवां, माता लक्ष्मी का चरण पादुका चांदी में बनवाकर यदि सुबह शाम विधिवत पूजा और आरती की जाए तो घर में धन धान्य की निश्चय ही वृद्धि होती है। आठवां, यदि घर के उत्तर दिशा में भगवान कुबेर की मूर्ति या चित्र लगाकर भगवान श्री गणेश माता लक्ष्मी एवं कुबेर की साथ में पूजा की जाए तो धर्म से संबंधित मनोरथ और धन से संबंधित मनोरथ निश्चय पूरा होते हैं। नवा, प्रत्येक शुक्रवार को व्रत धारण कीजिए और गाय के दूध में तल मखाने का खीर बनाइए और माता लक्ष्मी को भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं को मात्र 16 शुक्रवार खिला दिया जाए तो धन से संबंधित सभी कष्ट निश्चय समाप्त हो जाते हैं। वृषभ राशि, चंद्रमा के 12वें रहने के कारण
आज मन का नियंत्रण आप खो सकते हैं, इसलिए किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में निश्चित सफलता मिलेगी। अधिक लालच में जोखिम भरा निवेश बिल्कुल मत करिएगा। आज गरीबों में सफेद अन्न का दान करने से दिन बड़ा सुखद होगा। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 75% और संबंध का मीटर 80% अंक दे रहा है। कन्या राशि, सपरिवार किसी लंबी यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता का विशेष सहयोग मिलने वाला है। घर के आवश्यक कार्य को टालिएगा बिल्कुल नहीं। आज गरीबों में मीठा बांटिए, दिन बहुत सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 65%, सेहत का मीटर 70% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है।